अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी। बताते चलें, रविशंकर प्रसाद जी जब सचिव थे तभी बिहार क्रिकेट को मान्यता मिली क्रिकेट की कि आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। आइए बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी से, वर्तमान परिवेश में बिहार क्रिकेट में जो चल रहा है उसको लेकर आखिर क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, बिहार क्रिकेट में अभी वर्तमान परिवेश में मामला गहराया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में कुछ संशोधन हुआ है। आखिर लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, बिहार की जनता को, बिहार के खिलाड़ियों को और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हर एक व्यक्ति को आखिर क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, जब लोढ़ा कमेटी आया, आने के बाद एक संविधान वहां से बना करके भेजा गया बीसीसीआई में भी, और उसी के पैटर्न पर स्टेट एसोसिएशन को भी कहा गया कि आप इसको संशोधित करके उसको एडॉप्ट कीजिए। और हम लोगों ने सितंबर 2018 में उस संविधान को एडॉप्ट किया और 27/11/18 को हम लोगों ने उसको भेज दिया आईजी रजिस्ट्रेशन के यहाँ से मोहर लगवा करके सीओए के पास, और सीओए ने अपने 11th स्टेटस रिपोर्ट में उस संविधान को एडॉप्ट कर लिया। मतलब कि बिहार क्रिकेट संघ का जो ये संविधान था उसको मान लिया गया, और उसके बाद ही हम लोगों को पैसा भी भेजा गया। इधर सुनने में आ रहा है और हमने देखा भी है कि संविधान में परिवर्तन किया गया है। संविधान परिवर्तन करने का एक नियम है पिंकू जी, के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना आप संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं। हमारे राकेश तिवारी ने क्या किया, जिला के लोगों को गुमराह करके संविधान को संशोधित किया और आईजी रजिस्ट्रेशन के यहां दिया, और वहां से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा कर दिया, जिसमें कि 4 तारीख को एक डेट पड़ा है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हमने कोई संशोधन नहीं किया है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये पुराने संविधान की कॉपी है, ये पुराना संविधान की कॉपी है ये, और ये इन्होंने जो संशोधित किया है वो ये संविधान है। तो वो कैसे कहते हैं कि हमने संविधान का कोई संशोधन नहीं किया, हमने नहीं भेजा है? अगर आपने नहीं भेजा है संविधान के संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, गलत ढंग से भेजा है आपने, तो फिर आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको वेबसाइट पर अपलोड करते हैं आप? आपको करना चाहिए ना कि क्या क्या आपने किया है उसमें, आप उसको क्यों छुपा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। सर, आपने कहा छिपाने की बात, तो आखिर दोनों संविधान की प्रतियां वर्तमान में आपके पास मौजूद हैं। क्या अंतर आपको दिख रहा है दोनों संविधान में? सबसे पहला अंतर तो यह है इस संविधान में कि इन्होंने वोटिंग राइट के साथ छेड़छाड़ किया है। हमारे यहाँ संविधान में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक फुल मेंबर और दूसरे एसोसिएट मेंबर। फुल मेंबर को वोटिंग राइट होता है, एसोसिएट मेंबर को वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन एसोसिएट मेंबर को भी हर एजीएम में, एसजीएम में बैठने का अधिकार होता है। राकेश तिवारी ने किसी भी एसोसिएट मेंबर्स को कभी इनवाइट नहीं किया उन्होंने, जबकि ये संविधान संशोधित कर रहे थे तो वो हम लोगों को भी, जो कि हम भी एसोसिएट मेंबर हैं बिहार के, कंबाइंड बिहार के एसोसिएट मेंबर हैं, हम लोग उन्होंने सूचना नहीं दी। और उन्होंने जो संशोधन किया है संविधान में, पहला है वोटिंग राइट, तो जो डिस्ट्रिक्ट हमारे 38 हैं वो ही हमारे फुल मेंबर हो सकते हैं जिनको वोटिंग राइट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही वोट होगा, एक ही फुल मेंबर होगा। इन्होंने उसको विलोपित कर दिया है। क्या विलोपित किया है उन्होंने? उन्होंने ये विलोपित किया है, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या विलोपित किया है।
उन्होंने विलोपित कर दिया है कि फुल मेंबर इज ए मेंबर हैविंग 40 राइट, जो कि सही है ये, लेकिन एक जिला में एक ही फुल मेंबर रहेंगे। और इन्होंने क्या किया है कि उस लाइन को ये कहते हुए हटा दिया है कि एक फुल मेंबर नहीं रहेंगे, वो चाहे तो और फुल मेंबर बना सकते हैं, वो और फुल मेंबर बना सकते हैं। इसको समझिए, जिला के लोग समझे इसको, कि एक फुल मेंबर जहां था स्पष्ट लिखा हुआ था, नो डिस्ट्रिक्ट सेल हैव मोर देन वन वोट। इन्होंने क्या लिखा है कि ईच डिस्ट्रिक्ट सेल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एंड मेंबर्स ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द बीसीए एंड सच सेल बी ए फुल मेंबर्स। लेकिन पुराने वाले संविधान में क्या था कि नो डिस्ट्रिक्ट सेल हैव मोर देन वन वोट, इसको उन्होंने हटा दिया, मतलब कि और भी मेंबर आप बना सकते हैं। ये तो बड़ा मेजर संशोधन है। आज 38 जिला के लोग खुश हो रहे होंगे कि हमारा बरकरार है, लेकिन वो 38 की जगह उन्होंने कितना बढ़ा दिया है। सर ये तो आप संविधान देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कितना जिला बढ़ाया गया है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, दोनों संविधान है, आपके समय का संविधान है, वर्तमान संविधान है, ये अलग चीज है, लेकिन कुछ दिन पूर्व सर आपने ही राकेश तिवारी का पक्ष लिया था और आपने कहा था कि बिहार क्रिकेट को राकेश तिवारी कह रहे हैं बहुत मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। पिछले अपने काल में जो सत्र में नहीं कर पाए थे, उन्होंने खुद भी आकर कहा था सामने से कि पिछले सत्र में जो मैं नहीं कर पाया था वो इस बार करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सर ये बताइए कि आखिर क्या वजह थी कि आप उनका साथ दिए और देखने में ये आ गया। निश्चित तौर पर हम लोगों ने उनका साथ दिया था, लेकिन उस समय ये संविधान की बात सामने नहीं थी, और बार बार वो हम लोगों को, अजय जी हो, हम हो, सभी लोगों को सम्मान देने की बात करते हैं। अरे तिवारी जी, आप हम लोगों को क्या सम्मान दीजिएगा, आप कितने दिनों से क्रिकेट में हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप हमको सम्मान दीजिए। अरे हम लोगों ने आपका सम्मान दिया कि जाकर के आपका हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आप लोगों ने उसका नाजायज आपने फायदा उठाया, आप क्यों नहीं ये संविधान को मार्केट में ले आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। सर वर्तमान परिवेश में और कहा जाए तो लोकपाल का आदेश था चुनाव के समय, कुछ जो नॉमिनेशन हो रहे थे, अरवल जिला क्रिकेट संघ को भी शायद हटाकर वहां कमिटी बना दी गई है, मधुबनी में भी कुछ आदेश आया था वो भी, आखिर क्या था वो आदेश, क्यों विरोध में आ गए लोग? राकेश तिवारी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो चाहते हैं कि पूरे बिहार क्रिकेट पर हम कब्जा कर लें, हमारे जिला के लोगों को सही जानकारी नहीं दें। ये लोग लड़ने वाले थे, ये लोग बोलने वाले थे, और जब लोकपाल ने आदेश दिया इनको, इनके इलेक्टोरल अफसर को, कि इनका नाम उस पे जोड़ा जाए इलेक्टोरल रोल में, लेकिन वो डर गए, उन्होंने इलेक्टोरल अफसर को कह दिया कि आप इनका नाम मत जोड़िए, क्योंकि उस इलेक्टोरल अफसर को एक गवास उठा के लाए थे, ये भी संविधान के खिलाफ था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आप कहते हैं कि मैं चुनाव पुराने संविधान पर करा रहा हूं, तो पुराने संविधान में तो बिहार से बाहर का इलेक्टोरल अफसर है ही नहीं कहीं, तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए आपने इस तरह का काम किया, लोकपाल के आदेश का भी आपने उल्लंघन किया। एक महिला ने नॉमिनेशन कर दिया, उसका भी नॉमिनेशन आपने रद्द करा दिया, आपने इलेक्टोरल अफसर से बोलकर, आपका तो पूरा चुनाव ही गलत है, क्योंकि बाहर के इलेक्टोरल अफसर इस चुनाव को नहीं करा सकते। सर बात करते हैं रहनुमाओं की, बिहार क्रिकेट में बहुत सारे रहनुमा भी हैं, बड़े नाम कहे जाएंगे, उसमें खुद आप भी हैं और अजय नारायण शर्मा जी हैं, आप दोनों तो क्रिकेट से भी ताल्लुक रखते थे शुरू से, उसके अलावा संजय मंटू पूर्व सचिव, अरविंद सिंह जी, संजय सिंह जी जो कुछ दिन पहले तक चेयरमैन थे, डीवी पटवर्धन जी
जीएम लॉजिस्टिक राजेश बैठा सो वेद मिश्र, न जाने कई बड़े नाम। एक एक कर शुरुआत होती है संजय मंटू से, और सचिव संजय मंटू जी से, उनको बाहर किया जाता है। दूसरा नाम आता है अरविंद सिंह, कहीं ना कहीं आप अजय नारायण शर्मा, फिर राजेश बैठा जाते हैं, सुबीर मिश्रा, देवी पटवर्धन, और अंततः सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं संजय सिंह, जमुई तो हट ही चुके हैं, संजय सिंह जो चेयरमैन थे, कहीं ना कहीं दरकिनार करने की उनको भी कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमने अभी आपको कहा ना, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ अकेले ही अकेले पूरे बिहार क्रिकेट संघ पर कब्जा करना चाहता है, जिसके तहत वो उसने इस गलत संविधान को बनाया है। और मैं तो ये अपील करूंगा कि इस संविधान का विरोध करें, नहीं तो जो उस मंशा लेकर वो व्यक्ति आया है निश्चित तौर पर उसको वो पूरा करेगा। सर, बिहार क्रिकेट में एक और बड़ा नाम कहा जाता है, वो है आदित्य वर्मा जी। आदित्य वर्मा जी के द्वारा किए गए कार्य सबके सामने हैं, कहीं ना कहीं उनको भी दरकिनार की गई है, मिथिलेश तिवारी जी को दरकिनार की गई है, पुराने जो क्रिकेटर्स हैं बिहार के जो बड़े नाम हैं क्रिकेट में, उनको भी दरकिनार की गई है, आखिर क्यों? आदित्य वर्मा का नाम निश्चित तौर पर जो आपने लिया उसने क्रिकेट के लिए किया है, बिहार के लिए नहीं और अदर स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि टोटल लोढ़ा कमिटी की जो लड़ाई लड़ी है वो आदित्य वर्मा ने लड़ी है। लेकिन तिवारी जी को आदित्य वर्मा से कोई मतलब थोड़ी है उनको, हमने क्या कहा, उनको मतलब है कि पूरे बिहार क्रिकेट को अपने पॉकेट में रख ले, जैसे पूरा होना होगा, कभी रवि जी, कभी अजय जी, कभी राजेश बैठा जी, कभी सुवीर चंद मिश्रा, कभी संजय कुमार मंटू, कभी पटवर्धन जैसे लोगों को इस्तेमाल करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना है, फिर नए लोगों की तलाश कर लेना है जिसमें वो दिन रात लगे रहते हैं। सर, आते एक बार फिर संविधान पे, आखिर कौन कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो नहीं होना चाहिए था? अपने संविधान में इन्होंने क्लब्स का जो 38 वोट है उसको इन्होंने रखा है, और उसके अलावा जो एक वोट का राइट था वहां पर इन्होंने बढ़ा दिया है, और क्लब, एकेडमी, इंडिविजुअल्स लोगों को इन्होंने वोटिंग राइट दिया है। और एक मेजर इन्होंने और संशोधन किया है उसमें कि डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, स्टेट भी कराती है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो टूर्नामेंट्स पहले होता था हम लोग के समय में उसको डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेना पड़ता था, उस चीज को इन्होंने हटा दिया है कि आप कोई भी खेलो, किसी से डिस्ट्रिक्ट से कोई एफिलिएशन या उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे तो एक डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल क्या रहेगा क्रिकेट पर, उसको इन्होंने हटा दिया है। सर, क्रिकेट में आए दिन कुछ ना कुछ बिहार क्रिकेट में तो होता ही रहता है, मानो बिहार क्रिकेट और विवाद चोलीदा में, अभी संविधान को लेकर तो कभी क्रिकेट की ट्रायल को लेकर तो कभी कुछ, लगता है क्रिकेट एक धरे पे आ रही है, अचानक बिहार क्रिकेट की दशा बदल जाती है और फिर कोई नया विवाद आ जाता है। आखिर ये संविधान ऐसा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरे पूरे बिहार पर कब्जा करने के लिए। एक और इसमें संविधान में इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी मेंबर्स के एडमिशन का एक रूल्स उसमें बना हुआ है कि इस रूल के तहत ही आप आ सकते हैं, और इसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप नहीं आइएगा। और प्लस टर्मिनेशन का भी एक क्लॉज होता है कि ये चीज आप नहीं मानेंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन इन सबों के बाद उसमें एक री एडमिशन का भी क्लॉज है, अगर किसी कारणवश किसी मेंबर्स की सदस्यता चली गई है तो उसको री एडमिशन कैसे किया जाएगा। इन्होंने री एडमिशन का क्लॉज को ही ओमिट करवा दिया, हटा दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय डेथ, बाय रिजिग्नेशन, बीसीए की बात नहीं मानना, भाई एलिगेशन लगा दीजिए आप किसी पर, ये बीसीए की बात ये डिस्ट्रिक्ट नहीं मान रहा है इसलिए उसको टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट कर दिया लेकिन और उसका रीएडमिशन को ओमिट कर दिया, तो फिर उसका तो फिर रीएडमिशन होगा ही नहीं,
ये तो मनमानी होगी ना, हमको उस जगह जिला बदल देना है बदल देंगे। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था एक महिला ने नॉमिनेशन किया था, वो भी रद्द कर दिया गया। आखिर क्या कारण था कि उस महिला का नॉमिनेशन रद्द हुआ? वो थी, जहां तक हमें अंदाजा है, जहां तक हमें जानकारी है, नालंदा जिला की रहने वाली थी और उन्होंने अपना प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन किया था। हमने कहा ना इन्हें डर था कि शायद उसका नॉमिनेशन वैलिड हो जाता तो मैं हार तो नहीं जाता कहीं, इसलिए उन्होंने उसका नॉमिनेशन रद्द करवाया। और सर इस संविधान को अगर कहा जाए तो संक्षेप में इस नए संविधान पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सारे जो भी मेंबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस संविधान को पढ़ें और समझें, और उसके बाद इस संविधान को पुनः जो गलत ढंग से संविधान गया है उसको मेंबर्स के सामने लाया जाए, और लाने के बाद उस पर पुनः विचार हो ताकि जिलाओं का हक नहीं उसमें समाप्त हो और किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व संस्था पर नहीं हो। सर जो संविधान बनता है या संशोधन होता है उसकी प्रक्रियाएं क्या है और प्रक्रिया को पूरी की गई थी? बिल्कुल नहीं, संविधान संशोधन का सीधा सिस्टम है ये कि अगर आपको कोई चीज चेंज करना है तो पहले आप उसको कमिटी और मैनेजमेंट की मीटिंग में प्रूव कीजिए, उसके बाद उसको आप एसजीएम में लाइए। एसजीएम में आने के बाद हर बिंदु पर चर्चा होगी, उसकी चर्चा होने के बाद आप उसको वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट पर डालने के बाद महीना दो महीना के बाद अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को सुधार कर अगला एसजीएम में उसको आप डालेंगे, और डालने के बाद जब वहां पर सारे लोगों की सहमति बन जाएगी, फुल मेंबर हो एसोसिएट मेंबर सबको उसमें आना है, तो फिर उस संविधान को आप सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव कर देगी तब उसको आप आईजी रजिस्ट्रेशन के यहां भेजेंगे। इस प्रक्रिया को तो अपनाया नहीं गया, गलत ढंग से छुपाया गया ना। अगर संविधान में आप संशोधन, आपके मन में कोई बेईमानी नहीं था, आप ईमानदारी से करना चाह रहे थे, तो आज तक वो संविधान वेबसाइट पर क्यों नहीं चला? सर जो अभी आप प्रक्रिया बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आईजी रजिस्ट्रेशन के आ जाएंगे, तो क्या वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई? बिल्कुल, इन्होंने आईजी रजिस्ट्रेशन के मोहर लगवाया चुपचाप, उसके बाद वहां से इन्होंने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, और एक प्रतिलिपि उन्होंने दे दी बीसीसीआई में, एक प्रतिलिपि बीसीसीआई ने दे दी, बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि आपका ये सिस्टम गलत है, आपका ये संविधान अप्रूव नहीं हो सकता है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी मनमानी कर रहे हैं राकेश तिवारी जी और जो नियम है उसको ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं? ये तो हमारे जो मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हों या एसोसिएट मेंबर्स हैं, उन लोगों को इस सब चीज पर ध्यान देना होगा, उसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो एसोसिएट मेंबर है उनको तो ये बुलाते ही नहीं है। फुल मेंबर जो है अपने मन से पूरे जिलों में चुनाव करा करा करके लोगों को इन्होंने बैठा दिया है, और वो लोग संविधान को पढ़ते ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल जो आज जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर है कल वो स्टेट में भी आएंगे, तो वो स्टेट में जब आएंगे तो वो देखेंगे कि हमने संविधान में क्या क्या गड़बड़ियां की थी। अगर आप अभी पढ़ लेते हैं और सुधार उसमें कर लेते हैं तो फिर आगे भविष्य में आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। सर बात करते हैं एक बार फिर क्रिकेट की। क्रिकेट गतिविधियों को छोड़कर बिहार क्रिकेट कोई ना कोई विवाद में हमेशा से रहा है, आपको नहीं लगता इन विवादों से, इन वर्चस्व की लड़ाइयों से, मेरा सवाल बार बार ये रहनुमाओं से होता है, कहीं ना कहीं बिहार का क्रिकेट और बिहार के क्रिकेटर बाधित होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है? क्रिकेट कराने की आवश्यकता तो है ही नहीं, जब अध्यक्ष खुद सचिव हो जाता है और अध्यक्ष जब जो उसके मन के लायक काम नहीं करते हैं उनको हटा दिया जाता है तो क्रिकेट होगा क्या? वन मैन शो हो रहा है, क्रिकेट होने से तो कोई मतलब है नहीं है। अब नया सचिव, नया चुनाव हुआ तो क्रिकेटिंग इंचार्ज बन जाते हैं हमारे उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, वो पुराने व्यक्ति हैं, कम से कम उनको तो संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर उन्होंने किया फॉरवर्डिंग पर,
और उन्होंने जो फॉरवर्डिंग पर किया है वो कुछ और है, और अंदर संविधान में कुछ और बदलाव किया गया है। तो क्या सचिव के रहते दिलीप सिंह जो हमारे उपाध्यक्ष बने हैं फिर वो बन सकते हैं क्रिकेटिंग इंचार्ज? सारा क्रिकेट बनाने का पावर सेक्रेटरी को है, और जो नया संविधान में संशोधन हुआ है उसमें जो एमेकस क्यूरी ने जो दिया था सेक्रेटरी को पावर, वो सारा पावर जो है जो पहले सीईओ में निहित था वो आजकल सेक्रेटरी में है। तो सेक्रेटरी को करना ही है काम। अब यहां सुन रहे हैं कि सेक्रेटरी को हटाने के चक्कर में लगे, भैया आप किसको हटा दीजिएगा? ऐसा कीजिए ना, संविधान में सब पद को हटा के एक पद रख लीजिए खाली प्रेसिडेंट का, सारे को हटा दीजिए, छोड़िए, संविधान की जरूरत ही नहीं है, कहां इस झंझट में लोग पड़े हुए हैं। तो आखिर क्या वजह है सर कि बिहार क्रिकेट की जो दो दिग्गज नाम कहे जाते थे अजय नारायण शर्मा जी और आप खुद रविशंकर प्रसाद जी, दोनों एक मंच से आकर खुले रूप से विरोध क्यों नहीं करते? मैं हमेशा तैयार हूं, अगर अजय जी तैयार हो तो मैं निश्चित तौर पर जो सही चीज है उसका हमने हमेशा साथ दिया है, हम आगे भी देते रहेंगे। हम अजय जी की बात नहीं कर रहे, इतने सारे लोग हैं, सब लोग हैं, और इस पर चर्चा करें संविधान पर। संस्था हमेशा रहेगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को के हाथ में संस्था नहीं चली जाए कि जो भाई भतीजा बार उसका जीता ज्यादा, उदाहरण आप देख लीजिए इलेक्शन में, भाई उनके रिलेशन लोग नॉमिनेशन करते हैं, तो ऐसे संस्था नहीं चलता है। ऐसे क्रिकेट कैसे होगा बिहार में? डेवलपमेंट की बात होती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती नहीं है। 5 तारीख से मैच है, अभी तक खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, कैसे क्रिकेट कराएंगे? डोमेस्टिक मैच पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, कब्जा करने की नीयत को छोड़िए, खेल कराइए। हम लोगों ने इसके लिए समर्थन दिया था, आपका समर्थन इसके लिए नहीं दिया था कि आप पूरे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा कर लीजिए। धन्यवाद सर, ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी। इनका कहना है कि इनका समर्थन क्रिकेट और क्रिकेट की गतिविधियों के लिए था, ना कि क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए, क्रिकेट एसोसिएशन पे राज करने के लिए। इनका यह भी कहना है कि जो घरेलू मैचेस हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति में पड़ना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, क्रिकेट की गतिविधियां अपनी जगह है। ये खुल के कह रहे हैं कि इस नए सचिव को भी कहीं ना कहीं हटाने की तैयारी चल रही है, जैसे पिछले कार्यकाल में सचिव संजय मंटू जी के साथ हुआ। ये खुल के कह रहे हैं कि सारे पुराने जो भी बिहार क्रिकेट के रहनुमा थे, जैसे अजय नारायण शर्मा जी हो, गोपाल बोहरा जी हो, नवीन जमुआर हो या खुद हो, खुले मंच पे आए और इस संविधान पर परिचर्चा करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आप देख रहे हैं पूरा बिहार दूध, मैं हूं आपका होस्ट सुरेश कुमार मिश्रा।